तो हाँ जी, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हर समय यूनिवर्सिटी अपडेट मिलती रहती है। आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉप न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ देखिए, वाणिज्य कॉलेज में प्रवेश के लिए 8 तक आवेदन, अब क्या है सुन लीजिए। देखिए, जो स्टूडेंट क्या क्या किया था, वाणिज्य कॉलेज में सीट की बढ़ोतरी हुई थी बीकॉम में, और टोटल कुल मिलाकर आपको 125 सीट बीकॉम में बढ़ी थी, और उसकी एडमिशन के लास्ट डेट है 8 सितंबर। तो अगर आप चाहते हो जाकर तो एडमिशन ले लो, उसमें डायरेक्ट एडमिशन है। आप देखो इसमें कैसे कैसे विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं, सुन लो आप लोग। जो स्टूडेंट जो है सो मतलब फॉर्म भरे थे जिस समय आया था पटना यूनिवर्सिटी का, उसे हम फॉर्म भरे थे और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिए थे और पास भी किए थे, लेकिन उनका वाणिज्य कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ था कट ऑफ के कारण, उनकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। इसीलिए वैसे स्टूडेंट जो है अगर चाहते हो एडमिशन लेना तो आके इसमें एडमिशन ले सकते हो। और इसमें ज़्यादा जानकारी बस नहीं है, बस इतना ही है कि अभी तक बहुत सारी सीट खाली है और 8 तक डेट है। यहाँ देख लीजिए कि वाणिज्य कॉलेज में बढ़ी हुई सीटों पर बीकॉम, ठीक है, बीकॉम समझते हो ना आप लोग, बीकॉम में सेल्फ फाइनेंसिंग वोकेशनों के तहत नामांकन के लिए 8 सितंबर तक छात्रों को डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा, और अधिक जानकारी के लिए छात्र कॉलेज की वेबसाइट पर देख सकते हो। कुल 125 सीटों की बढ़ोतरी सरकार के द्वारा वाणिज्य कॉलेज में की गई थी, और हालिका का कॉलेज में सीटों की भारी कमी है, तो भी इसमें आपको जो है सो भर्ती के लिए यहाँ पर है अभी अप्लाई चल रही है, लेकिन चाहते हो एडमिशन 125 विद्यार्थी का एडमिशन इसमें होगा और 8 तक समय है, जाकर आप लोग दोस्तों ले लो इसमें। और मैंने पहले कल था जो स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके थे पहले, वो वाला अप्लाई फॉर्म भर चुके थे और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए थे, उनका कट ऑफ नहीं आया था, वही इसमें आकर अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही नई नॉलेज मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, ताकि ऐसे अपडेट हमेशा मिलते रहे। गुड बाय।